नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा ये पिनटेक्स के साथ में कुशन कवर बनाने का एक आसान सा तरीका। यहाँ पे हमने सिंगल सिंगल इस तरीके से पिनटेक्स डाले हुए हैं और आप देख रहे होंगे चारों साइड का डिजाइन कितना प्यारा सा है। तो आइए सीखते हैं इसकी कटिंग कैसे करते हैं और किस तरीके से स्टिचिंग की जाती है। दोस्तों, जो आपने कुशन का डिजाइन देखा है उसे बनाने के लिए हमने एक पीस लिया हुआ है नीचे के लिए ये वाला। तो इसकी जो साइज होगा हमारा 17.5 का होगा इस तरीके से, और इस तरीके से भी हमारा इतना ही होना चाहिए। तो ये नीचे का पीस है जिसमें हमें जिप लगानी है। तो यहाँ पे हमने जिप रेडी की हुई है, ये देखिए ये जिप हमने तैयार की हुई है। अब हमें तैयार करना है इसके ऊपर का मेन डिजाइन। तो मेन डिजाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये वाला पीस लिया है। इसका साइज जो है हमारा 20 इंच का होगा, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। तो ये हमारा 20x20 का ये पीस है, और इसके ऊपर हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग पेस्ट की हुई है। तो 20x20 का आपने यहाँ पे पीस इस तरीके से लेना होता है, और इसके ऊपर पेपर फ्यूज जो होती है इसको चिपका लेना है। पेपर पेस्टिंग पेस्ट करने के बाद अब हम इस कॉर्नर को पकड़ेंगे और दूसरे कॉर्नर से ऐसे हिला देंगे और यहाँ पे इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। इसके बाद फिर से इसको ओपन करेंगे और इस बार इस कॉर्नर को पकड़ेंगे और इधर मिला देंगे। एक तरीके से ये क्रीज बन जाएगी हमारी, जिसके ऊपर हमें पिनटेक्स का काम करना है। अब फिर से इसको ओपन करेंगे यहां पे, और ओपन करने के बाद अब फिर से इस कॉर्नर को पकड़ेंगे और जो हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, ये ध्यान दे, जो ये सेंटर पॉइंट होगा इस पे हमें ऐसे मिलाना है। इसी तरीके से इस साइड का, और सेम यही तरीका इधर अपनाएंगे। तो चारों कॉर्नर पे हम इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड लगा लेते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये फोल्ड लगा लिया है। अब इनको कर देंगे हम ओपन, और यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके का कुछ हमारा ये डिजाइन आ जाएगा ऐसे। अब चलते हैं हम मशीन के ऊपर और सीखते हैं डिजाइन को कैसे तैयार करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टिचिंग में जो हमारी सबसे पहले फोल्ड वाली ये लाइन है इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड लगाना है ऐसे, और यहाँ पे एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगा देंगे। हमने एक सिलाई यहाँ पे लगा ली है, इस तरीके का कुछ हमारा यहाँ पे डिजाइन आ जाएगा पिनटेक्स वाला। अब हम दूसरी जो हमने फोल्ड लगाया था, तो दूसरे फोल्ड पे भी सेम ऐसे ही यहाँ पे सिलाई लगाएं। तो ये देखिए दोनों साइड हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम एक एक करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, हमने सभी सिलाई अपनी यहाँ पे कंप्लीट कर ली है और आप देख रहे होंगे कितना प्यारा सा यहाँ पे हमारा डिजाइन बन जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से जब हमारा यहाँ पे डिजाइन तैयार हो जाएगा, इसके बाद हमें यहाँ पे इस पर प्रेस करनी है और प्रेस करके नीचे की साइड जो भी आपने साइज रखना हो उस साइज के अकॉर्डिंग चारों साइड में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे जो हमें तैयार रखना है ये रखेंगे 16x16 का, तो 16x16 का हम सेंटर बनाते हुए 16x16 जो भी होगा यहाँ पे निशान लगा लेंगे चारों साइड में। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है और साइज रखा है हमने 16x16 का, 16 इस साइड से होगा और 16 इस साइड से होगा। सेंटर पॉइंट का ध्यान रखना है तब आपने निशान लगाना होता है। इसके बाद हमें यहाँ पे नीचे वाला जो पीस है ये जिसमें हमने जिप लगाई हुई है, इस पीस को एक साइड में कोई सी भी साइड में इस तरीके से रखना है ऐसे मिलाते हुए। इस तरीके से रखने के बाद अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, जो हमारा निशान है निशान के ऊपर ही सिलाई लगानी होती है। ये देखिए, ये हमने चारों साइड में यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ये काट देते हैं, सिर्फ आधा इंच का मार्जिन रखते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद अब हम जिप को कर लेंगे ऊपर यहाँ पे और जिप वाले पॉइंट से इसको सीधा कर लेंगे। इस तरीके से नोक निकालते हुए चारों साइड से सीधा करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये कुशन सीधा करने के बाद अंदर की साइड डाल लिया है कुशन और कवर, आप देख ही रहे होंगे कितना प्यारा सा यहाँ पे डिजाइन तैयार हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल है और सिंपल का सिंपल, मतलब सिंगल हमने पिनटेक्स डालते हुए प्लेन कपड़े में ये डिजाइन तैयार किया है और नीचे की साइड यहाँ पे जिप दी हुई है इस तरीके से, और पूरा पीस आप देख रहे होंगे कितना प्यारा सा ये रेडी होने के बाद देखने में लग रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप कुशन भी तैयार कर सकते हो, पिल्लो जो होते हैं वो भी तैयार कर सकते हो, या किसी और चीज़ में भी इस तरीके के डिज़ाइन कंप्लीट आप कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।